हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे कि आपके वीकली रीडिंग्स एरीज, लियो, सैज, तो आपका जो भी सन साइन है आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेडिटेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी एरीज चूज किया था। सो 27 से 2nd तक की आपकी रीडिंग देख लेते हैं, वीकली रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास में आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, किसी ने आपका दिल तोड़ा होगा, या फिर या आप गुजरे होंगे, किसी ने दिक्कत में डाला होगा कोई। कुछ लोग जो मैरिड हैं उनका डिवोर्स हो गया होगा या लीगल बैटल में हो सकते हैं वो। आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कोई किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है। काफ़ी रो रहे हो आप, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, और वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके ऊपर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस उस थर्ड पार्टी का सनसाइन हो सकता है। सो आप बहुत ही ज़्यादा फीलिंग, यू नो, यू आर फीलिंग एम्प्टी, बहुत ही सैड फील कर रहे हो। अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या हो गया ये, आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। आज के दिन आपको ये सारी फीलिंग्स आ सकती हैं, एंड अपने वूंड्स को, अपने दर्द को छुपा के बैठे हुए हो, एंड यू नो लोगों से दूर हो रहे हो और आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसा आज आपको फील होएगा। एंड थोड़ा सा बिट्रेयल सा फील हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्यों दिया, ऐसे सवाल आपके मन में आज चल सकते हैं। या आप अकेला फील कर सकते हो, डिप्राइव्ड फील कर सकते हो, डिप्रेस्ड फील कर सकते हो, थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो सकते हो। कोई आपसे पूछेगा कोई चीज़ तो आप जवाब ना दे पाओ, मे बी आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो या यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, ऐसा फील होगा। 28th को विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। अगर आपसे रेजिनेट किया तो बताइएगा। कोई बिग चेंजेस आएगा कल, यानी ये कल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकते हैं आपके वर्क को रिलेटेड। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कि किसी वर्क से रिलेटेड भी हो, आपका मॉनेटरी इश्यूज़ चल रहे हो कुछ, या कुछ हो सकता है, कोई एग्ज़ाम्स दिए उसका रिजल्ट अवेटेड हो, तो वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है कल। या आप रिस्क लेना चाहते हो, कोई ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, मनी मेकिंग करना चाहते हो, पैसे लगाना चाहते हो, तो वो कल आप कर सकते हो। और कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है। आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, एंड अपने दोस्तों से बात करें इस टाइम पीरियड में, अपने दोस्तों से भी कनेक्ट हो सकते हो, एंड अपने जितने भी दर्द और दुख है वो दूसरों को बताएं, दूसरों से डिस्कस करें। और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसको भी आप बता सकते हो कल। ओके, सो ऑन 29th विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, हो सकता है उनका सनसाइन। ओके, आप अपना बैलेंस फाइंड करने की कोशिश करोगे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, एंड कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आ सकते हैं 29th को। मतलब आपका जो मूड है वो अप एंड डाउन लगेगा आपको, कभी खुश कभी दुखी, कभी हाई कभी लो, कभी हंस रहे हो कभी रो रहे हो, ऐसे बहुत जगलिंग उस दिन आपको फीलिंग होएगा। ये जगलिंग मनी से भी हो सकता है रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल है तो पैसों की वजह से कुछ जगलिंग चल रही होगी आपके माइंड में, और आपका कुछ नुकसान हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, एंड फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपको 29th को। 30th को विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है, एंड वो गुड न्यूज़ कोई घर खरीदने से हो सकता है, कुछ बड़ी चीज़ खरीदने से हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकता है, या फिर कोई यू नो ऑनलाइन वर्क के लिए कुछ आप खरीद रहे हो वो हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है ये। आपने सेट यू नो अपने गोल्स को सेट करोगे 30th को, एंड आप उन लोगों को कम यू नो अपने ज़िंदगी में आने दोगे जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपको नरिश करते हैं, और जो लोगों ने आपको छोड़ दिया है, जिन्होंने आपको दिल दुखाया है, उनसे थोड़ा सा यू नो हटने की कोशिश करोगे 30th को, और यू विल फील अ लिटिल बिट यू नो लाइट फील करोगे 30th को। 31st को विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हो, कोई फ्रेंड विन है जो काम कर रहा है उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कुछ कर सकते हो, या फिर ऐसे कोई काम कर सकते हो आप, थर्ड पार्टी
सिचुएशन में जिन्होंने आपको डाला है उनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, या फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा क्यों किया, वो सामने आ जाएगा। आप टीम वर्क कर सकते हो, किसी की टीम में जाके काम कर सकते हो, एंड आप उस दिन मोटिवेटेड रहोगे 31st को, और फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा आपकी दोस्ती हो जाएगी, बातें बातें होगी, ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है, ऑनलाइन कॉलिंग चैटिंग, ओके ऑल दीज थिंग्स। इंटरनेट में आप काफ़ी कनेक्टेड रहोगे अपने दोस्तों से, फेसबुकिंग करना या जो भी साइट्स हैं वहाँ पे, यू नो एंगेज रहना दोस्तों के साथ। कुछ फंडिंग से रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि पेंटिकल है यहाँ पे, तो मॉनिटरी वाइज कुछ फंडिंग से रिलेटेड आपकी बातचीत हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकते हैं आपके। ऑन द फर्स्ट फर्स्ट को डेथ आ गया, तो जिन लोगों का बहुत टाइम से लीगल मैटर चल रहा है एरीज, ओनली फॉर मैरिड पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेकेंड अलायंस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका डेथ हो जाएगा, डेड हो जाएगा रिलेशनशिप। और जो लोग एक नॉर्मल रिलेशनशिप में थे जिन्होंने आपको चीट कर दिया, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होने लोगे आप उस दिन फर्स्ट को, 1st August को, एंड कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकता है, स्कॉर्पियो उनका सनसाइन हो सकता है, एंड आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। जो सैड लाइफ है, सैड चीज़ों से आप थोड़ा बाहर आने की कोशिश करोगे और आपको न्यू फील होगा उस दिन। डेथ के साथ आपको यू नो आपका वीक जो है इस वीक में आप बहुत सारे लोगों को फगीव करोगे जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, एंड आप अपने आप को भी फगीव करोगे 1st को, एंड 2nd को डेफिनेटली विद द 4 of Swords, ओके लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ ही आप डील कर रहे हो, उनके साथ जितनी भी लड़ाई है वो सारे स्वॉर्ड्स आप नीचे रख दोगे, उनको माफ़ कर दोगे, अपने दिल की बात सुनोगे, आप काफ़ी रेस्ट एंड रेजुविनेट करोगे, मेडिटेट करोगे उस दिन, आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। पर्सनल डिसीजंस बनाने से पहले, प्रोफेशनल डिसीजंस बनाने से पहले 2nd को आप काफ़ी कॉन्टम्पलेट करोगे, सोचोगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लोगे। आपकी जो हेल्थ है इन सब वजह से, मॉनेटरी वाइज या फिर आपके रिलेशनशिप की वजह से, या फिर आप अगर सिंगल हो आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो एरीज आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उस दिन हट जाएंगी। इस वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग रही है, तो आपको बहुत ही केयर करना है अपने हेल्थ का, ओके पीस उस दिन फील होगा आपको, आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करोगे, कोई फाइटिंग नहीं होगी किसी से भी, नहीं ना घर वालों से ना किसी से, ओके इस वीक का एडवाइस कार्ड आपका है पेशेंस, आपको पेशेंट रहना है, 14 आपका बर्थडे हो सकता है, सो आपको काफ़ी पेशेंस रखना है, भगवान जी पे बिलीव करना है, प्रे करना है, ओके गाइस आप स्ट्रेस को रिलीज करोगे। एंड आपका जो लक्की नंबर है इस वीक वो है नंबर 15, नंबर 15 आप किसी भी पेपर में लिख सकते हो, ओके और अपने पास अपने पर्स के अंदर रख सकते हो, ओके और जिस भी भगवान को आप बुलाते हो उस भगवान जी का नाम आप यू नो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो इस वीक है बहुत अच्छा जाएगा, ओके गाइस। एंड आपका जो लकी कलर है इस वीक में, आपको अर्दी ब्राउन कलर पहनना है, ओके जब आप अर्दी ब्राउन, देखा होगा मिट्टी का रंग जो हल्का ब्राउनिश कलर होता है, वो पहनोगे तो आपके जितने भी ये जो माइंड में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ओके गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 2। हाय वेलकम बैक लियो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स क्या क्या होने वाला है, ओके आज के दिन 27th को आपका जो 1st कार्ड है वो है 9 of Pentacles। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ आप डील कर रहे होंगे, या फिर अगर नहीं भी कर रहे हो तो डेफिनेटली एक सिंगल पर्सन के साथ आप डील कर रहे होंगे, तो वो पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट है और आप खुद भी, आपको खुद को लगेगा आज कि आप सिंगल हो और आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि यहाँ पे एक ईगल है, ईगल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, तो आप हमेशा आगे के बारे में, लॉन्ग रन के बारे में सोचोगे इस दिन आज, ओके आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, सक्सेसफुल फील करोगे आज, एंड फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी है, आपके मॉनेटरी गेन्स हैं इस आज,
और कुछ पैसे कहीं से आने होंगे, रुके पड़े हैं वो भी आ जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई बात हो सकती है, आप अगर घर खरीदना चाहते हो। ओके, और कुछ रिवॉर्ड्स आ सकते हैं, जो काम आपने पहले किया हो और आपको ट्यूशंस दिए हैं उसके पैसे नहीं आए, या फिर आपने कोई काम की करके दिया हो उसका आप वेट कर रहे हो मॉनेटरी गेन्स का, वो रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। ओके, आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल चलेगा आज के दिन। ओके, बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी उनका आ सकता है, बर्थ आ सकता है बच्चों का, एंड काफ़ी मैच्योर्ड फील करोगे आप आज, सोफिस्टिकेटेड फील करोगे और बहुत ही ज़्यादा सांत्वना होगी मन में, कंटेंट फील करोगे। आप कुछ क्रिएटिव वेज पे काम करने का भी सोच सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है क्रिएटिव, सो उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो आज के दिन। ओके, 28th को विद अ पेज ऑफ कप्स, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी उस पर्सन का हो सकता है सन साइन, या फिर आपके लाइफ में कोई न्यू लव भी आएगा, न्यू लव आ जा सकता है, या फिर उसी पर्सन से आपको एक लविंग ऑफर मिल सकता है। ये कप फील्ड है, उस पर्सन के साथ आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेग्नेंट हो सकते हो, बहुत टाइम से आप देख रहे हो लियो उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा। एंड आपको अपने ड्रीम्स पे वो रखना है, हिम्मत रखना है, वो आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपको हैप्पी न्यूज़ मिल सकता है, अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं किसी वर्क को रिलेटेड, या कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपकी तरफ। एंड आपका कोई क्रश हो सकता है, एडमायरर हो सकता है, वो आपको सोशल मीडिया पे पूरा पूरा चेक रखेंगे कल, एंड आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, सो वो एक रोमांटिक प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए एंगेजमेंट का एक फाइनलाइजेशन हो सकता है, मैरिज का एक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। एंड आप काफ़ी आर्टिस्टिक्स हो सकते हो, पेंटिंग वेंटिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, आप जो भी पर्सन आपकी तरफ आएंगे वो काफ़ी लॉयल होंगे, और ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है, चाहे वो फूड हो चाहे वो किसी भी चीज़ ड्रिंकिंग हो, आपको ये ध्यान रखना है कल के दिन। ओके, 29th को विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ ही शायद डील कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये लेडी जो आपकी तरफ आएंगी वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगी, समझदार हैं, इनको हैंडल करना आता है लोगों को, ये कोई मैनेजर हो सकती हैं, बहुत गुड मैनेजर है रिसोर्सेस की, तो पैसों को सेव करना जानती होंगी, काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगी जो लड़के देख रहे हैं, एंड जो लड़कियां देख रही हैं उनके में आपके में दो किंग आ रहे हैं गाइस, दो लड़के आ रहे हैं। ओके, उन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे 29th को, एंड जो भी लोग मैरिड हैं वो अपने बच्चों का टेक केयर करेंगे, बहुत नरिश करेंगे अपने बच्चों को, प्रैक्टिकल सोचोगे आप, एंड ये पर्सन से आप वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो, पार्टनरशिप के थ्रू भी मिल सकते हो 29th को। 30th को किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो लड़कियां देख रही हैं उनके लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हैं, या फिर वर्क के थ्रू इस पर्सन से मिल सकते हो। ये पर्सन काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे, अपॉर्चुनिटीज इस पर्सन के साथ आप ग्रैब कर सकते हो, एंड रिलेशनशिप आ रहे हैं दो, जैसे मैंने बताया था, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल भी वही बताती है, काफ़ी मैच्योर इंसान होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एंड बहुत ही पैसे वाले होंगे, इनको वर्क के थ्रू ही आप मिलोगे, और 30th को आप काफ़ी काम फील करोगे इस पर्सन के आने पे। ओके, 31st को विद द लवर्स कार्ड, आप बहुत ही ज़्यादा लविंग फील करोगे, न्यू लव आपकी तरफ आ सकता है, सोलमेट और आपके एक ट्विन फ्लेम भी आपकी तरफ आ रहे हैं गाइज विद द लवर्स कार्ड। ओके, एंड काफ़ी एडिक्टिव लव होगा, यहाँ पे स्नेक है तो एक दूसरे के नशा चढ़ जाएगा, नशा चढ़ गया तेरा। ओके ओके, तो ये पर्सन आपके अंदर नशा उसाड़ देंगे। पैशन, पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ, एंड मैसेज पे बातें करना, कॉल करना एक दूसरे को, सेंडिंग न्यूड्स और ऑल दीज थिंग्स, डेटिंग एंड ऑल दैट, ऑनलाइन डेटिंग, क्योंकि अभी तो मिल नहीं सकते, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप करोगे 31st को। ऑन 1st विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट, अदर किंग जो आ रहे हैं आपकी तरफ वो काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, लवर्स के साथ जेमिनी, एक का सन साइन हो सकता है, एक का लियो हो सकता है, एरिस लियो सैज, और एक का जेमिनी हो सकता है। ओके, दो लोग आएंगे, सो
ये दोनों किंग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पे, एंड काफ़ी चार्मिंग होंगे, हैंडसम होंगे, और जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल होंगी ये, बहुत ही सुंदर होंगी, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगी, थोड़े से गुस्से वाले होंगे ये पर्सन, लेकिन जो जेमिनाई होंगे वो बहुत ही ज़्यादा काम होंगे। जेमिनाई पीपल आर वेरी काम एंड वेरी स्वीट, बहुत सिंपल होते हैं, और एरीज लियो साथ फायरी एनर्जी होते हैं, तो फायर्ड अप करने वाले लोग होते हैं। ओके, सो ये पर्सन भी एरीज लियो सैज हो सकते हैं जो आपकी तरफ आएंगे, कोई लीडर हो सकते हैं, कहीं पे लीडरशिप के रोल पे काम करते हों। ओके, एंड आपके पास कुछ फंड भी आ सकता है इस दिन को, फर्स्ट को, सेकंड को चैरिट, इन दोनों में से कोई एक मूवमेंट होगा, एंड इन दोनों से आप मिलने जा सकते हो, या फिर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनमें से, बोथ ऑफ देम आर कमिंग टूवर्ड्स यू, विक्ट्री लगेगा इन दोनों के आने पे, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस पर्सन से हो सकते हो आप, एंड काफ़ी विल पावर होगा इस दोनों में, एंड ये आपकी तरफ आएंगे, एंड आपका मीटिंग डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो इस पर्सन से आगे जाके आप मिल सकते हो। एंड आपका एडवाइस कार्ड है थर्ड आई चक्र, तो आपको मेडिटेशन करना है थर्ड आई चक्र के लिए, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, 6 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आंखें बंद करनी, मेडिटेशन करना है, तो पर्पल कलर अपने मन में सोचना है, और आपका थर्ड आई चक्र आपके आईब्रोज के बीच में होता है, तो वहाँ पे सोच के, पर्पल कलर सोच के आपको मेडिटेट करना है, तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे लियो। ओके, आपका लकी नंबर 5 है इस हफ्ते। ओके, एंड आपका जो कलर आपको पहनना है वो है क्रीमी वाइट, क्रीमी वाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो ये सब चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, और जिस भी भगवान को आप बुलाते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनका नाम आप अगर कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी लियोस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 3। हाई, वेलकम बैक सैजिटेरियस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, योर फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कॉइन्स। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे होंगे, लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, लियो के साथ डील कर सकते हो इस वीक में, या ओके कोई सोलमेट आपकी तरफ आएगा। विद द 6 ऑफ कॉइन आप कहीं चैरिटी करने जा रहे हो, लॉकडाउन में हेल्प कर रहे हो, वहाँ पे इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर आज के दिन आप मगर मैरिड हो तो आपका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। सैलरी की कोई दिक्कतें हैं तो आपको सैलरी मिल जाएंगी, गिविंग एंड रिसीविंग है तो आप जितना दोगे उतना ही पाओगे आज के दिन। ओके, अगर आप 1 रुपये दोगे तो आपको 1 रुपये वापस भी मिलेगा। ओके, अगर आप प्यार बांटोगे तो आपको प्यार वापस मिलेगा, गुस्सा बांटोगे तो गुस्सा मिलेगा। ओके सैजिटेरियस, क्योंकि आप लोग फायर्स हैं ना, आप लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, आपको अपने गुस्से पर आज कंट्रोल रखना है। आपको अपने जो भी आपका वेल्थ है वहाँ से इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है, या फिर आप ना वेल्थ शेयर कर सकते हो अपने वाइफ के साथ, उनके नाम पे कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी, या फिर उनको कुछ हेल्प कर सकते हो मॉनेटरी वाइज। ओके, चैरिटी कर सकते हो आज के दिन, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जेनरस रहिएगा, मतलब अच्छा फील करोगे आप, जेनरोसिटी दिखाएं दूसरों की तरफ, एंड फिजिकल एक्टिविटी भी आज कर सकते हो आप, खेल सकते हो, स्पोर्ट्स जैसे छोटे मोटे स्पोर्ट्स होते हैं वो घर में खेल सकते हो बच्चों के साथ, या हल्का फुल्का बाहर निकल के भी खेल सकते हो। एंड आप किसी पे डिपेंड नहीं होगे आज के दिन, आप काफ़ी मैच्योर्ड फील करोगे। 28th जजमेंट, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो सकते हो, आप जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है वो उनका लीगल बैटल फाइनलाइज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा विद द जजमेंट। आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा इसके बाद, और जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो बिल्कुल सिंगल हैं, वो लोगों के लिए सैजिटेरियस आप यू विल वेक अप, आपको ये एक वेक अप कॉल है आपके लिए, जहाँ से आपको उठना है अपनी चाइल्डिश ड्रीम्स और आइडियाज से, आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखना है कल। ओके, एंड डिवाइन आपको ये कॉल दे रहा है जजमेंट के साथ। ओके, एंड आपको लो फील नहीं करना है,
यू विल डेफिनेटली मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम. ओके, आपको अपने फैमिली के साथ कल हैप्पी हैप्पी रहना है. लीगल मैटर्स अगर कुछ भी हैं तो उसमें से आप निकल जाओगे, भगवान आपके साथ है. जो 29th को है वो है एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप बताता है न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है. पाइसिस उनका सनसाइन हो सकता है. कोई बर्थ आ सकता है आपके घर में, किसी का बेबी हो रहा हो, भैया भाभी कोई भी हो सकता है. ओके, और प्रेगनेंसी, कुछ लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे. काफ़ी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है आपका पार्टनर के साथ. ओवरफ्लोइंग लव हो सकता है, केयर हो सकता है. काफ़ी हैप्पी फील करोगे 29th को. न्यू ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं. कोई मैरिज ऑफर, एंगेजमेंट ऑफर आ सकता है. न्यू लव आएगा, मैंने वो बता ही दिया आपको 29th को. एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको ग्रैब करें. ये ना सोचें कि नहीं मुझे ये नहीं करना, कम पैसे मिल रहे, अब करें उसको. ओके, वो कम पैसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ऑन 30th विद द एट ऑफ, आई एम सो सॉरी, 7 of Wands, आप अपने फियर्स, जो भी आपके अंदर के फियर्स हैं उनसे लड़ोगे. या फिर अगर आप लीगल बैटल के बीच में हो तो उन लोगों से आपकी फाइटिंग चल रही है, तो आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहोगे, अपने पॉइंट्स रखोगे, अपने हार्ट को हमेशा कंट्रोल करोगे. यहाँ पे हार्ट है, उसको कंट्रोल करें 30th को. अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें हर प्रॉब्लम से. आपका जो स्टैमिना है उस दिन अच्छा रहेगा, तो आप एक्सरसाइज करें, अपने शरीर का ख्याल रखें. एंड उस दिन आप थोड़े बिजी हो सकते हो काम को लेकर, तो अपने फैमिली को भी थोड़ा टाइम दें. ओके, हेक्टिक थोड़ा सा उस दिन आपका रहेगा काम को लेके, आप काम ज़्यादा करेंगे एंड अपने ग्राउंड पे आप खड़े रहोगे. ओके, 31st को विद द 5 of Cups, जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है उनके बारे में ना सोचें, उनको भूल जाएं. ओके, क्योंकि आपकी तरफ न्यू लव आने वाला है. ओवर इंडल्जेंस ना करें खाने पे, ड्रिंकिंग पे, फालतू की शॉपिंग पे, इन सब चीज़ों में ओवर इंडल्जेंस ना करें. एंड आपको थोड़ा सा लॉस फील हो सकता है 31st को कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है. ये सबके साथ होता है, अगर बुरा आपको फील हो रहा है तो ये सो पॉजिटिव सोचें कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. वो सारे पॉइंट्स एक बुक उठाएं और उस पे लिखें कि मेरे साथ क्या अच्छा अच्छा हो रहा है, वो सारी चीज़ें लिखें. अपनी जो भी रिग्रेट्स हैं पास के तरफ से, वो ट्रॉमा है, उनको भूल जाएं. इमोशनल बैगेजेस हो सकते हैं उस दिन, उनको निकालें. आपका डिवोर्स हो सकता है कुछ लोगों का, तो वो भी फाइनलाइजेशन हो जाएगा. सेपरेशन है तो वो सेपरेशन आपका हो जाएगा. ओके, एंड एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में. डिसअपॉइंटेड ना होए, पॉजिटिव रहें उस दिन. ओके, 31st को. 1st को विद स्ट्रेंथ कार्ड. डेफिनेटली स्ट्रेंथ कार्ड लियो से आप डील कर सकते हो उस दिन. सैजिटेरियस, आपके लाइफ में कोई लियो आ सकते हैं, वो आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं. कोई लेडी आ सकती है जो आपको स्ट्रेंथ दे सकती है. लिब्रा हो सकते हैं, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं. ओके, एंड वो काफ़ी प्यार लेके आएंगे, स्ट्रेंथ देंगे आपको. आपको के सर पे हाथ रख के आपसे पूछेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है. ओके, आपके माइंड को कंट्रोल करना उस पर्सन को आता होगा, वो आपको सांत्वना देंगे, पीस देंगे. ओके, वो पर्सन आपकी लाइफ को काम बनाएंगे और आपको आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे. ऑन दी 2nd, 8 of Wands, आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी मैसेज पे बातें शादी हो सकती हैं. इंक्रीज़ हो सकता है आपका इनकम. आपको कुछ मैसेज आ सकता है, किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं. ओके, एंड कुछ मॉनेटरी वाइज आपको इनकम हो सकता है, कहीं से पैसे आ सकते हैं. आपके जो वर्क करके दिया है उसका मॉनेटरी गेन्स हो सकता है. रेज इन रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. कोई इस पर्सन से काफ़ी फ्लर्टेशियस आपका रिलेशनशिप हो जाएगा. मैसेजेस पे काफ़ी बात होंगे फ़ोन पे, एंड काफ़ी डेटिंग हो सकती है, यू नो, वीडियोस पे, वीडियो कॉलिंग पे. एंड काफ़ी प्यार भरे मैसेजेस आपको इस दिन आ सकते हैं 2nd को. और जो आपका एडवाइस कार्ड है 2, आपका लाइफ पाथ हो सकता है. ये आपके सोलमेट हैं. इमोशनल कंटेनमेंट इस पर्सन के साथ सैजिटेरियस आपको मिल जाएगा और आप बहुत खुश होगे. दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, सोलमेट भी हो सकते हो. कप यहाँ पे है तो डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है. आपको आर्कएंजल ने आशीर्वाद दिया हुआ है तो ये रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है. जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाएं. ओके, आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा इस पर्सन के साथ. 2nd, आपका बर्थडे उस पर्सन के बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा. लकी नंबर आपका 6 है इस वीक के लिए. आपको जो कपड़े पहनने हैं वो है सैफ्रन. अगर सैफ्रन कलर के आप कपड़े पहनोगे तो आपको
थोड़ा आराम आएगा, जो लॉस और जो दिक्कतों से आप गुजर रहे हो उसमें थोड़ा आराम आएगा. ओके गाइस, सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ मेरे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन. एंड इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम. एवरीथिंग इज मैंशनड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.